शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अम्मा, क्या हो गया आपको? शर्मी ने अपनी पढ़ाई और अपना सपना ताक पर रख कर ये माँ बनने का फैसला लिया था। किसके कहने पर? आपके कहने पर, सिर्फ आपके लिए। और आप है कि ऐसे घटिया सवाल उठा रही है उसके ऊपर। अम्मा, आपको तो माफी मांगनी चाहिए इससे, माफी। मांगे माफी। शिवांश, किससे बात कर रहे हैं आप अम्मा से? इन सब की कोई जरूरत नहीं है। शिपो, आज तुम भी इसी की बोली बोल रहे हो? भूल गए किसी गैर मर्द के साथ उसी के घर गई थी? अम्मा, चिल्लाओ मत। कैसे मर्द हो, अपने मेहरारू को काबू में नहीं रख सकते? बस अम्मा बस, अब अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम, बहुत हो गया। करो जो तुम्हारे मन में आए, हम इस अनर्थ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और माफी, और इससे सवाल ही नहीं उठता। समझे? चलो बेटा, तुम लोग अंदर चलो। जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा कीजिए एक बार, ठीक है? हाँ, अब देखा देवी जी, जब गुस्सा है ना तो दो रोटी ज्यादा खानी चाहिए। वो क्या है ना, आपके पेट में चूहा है ना, वो हल्ला मचा देगा। अच्छा, और अगर चूहिया हुई तो? शिवांश, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको पता है हम कितना डर गए थे। लो, छोटी सी बात, लीजिए, हमने अपने हाथ जोड़ लिए, हमें माफ कर दीजिए। शबनी, वो हम सोच रहे थे कि अगर बेटा हुआ ना तो उसे हमारी तरह ना बैल बुद्धि मत बनाना, अपनी तरह बनाना, होशियार समझदार। और अगर बेटी हुई ना, उसे तो हम अपनी तरह बनाएंगे, एकदम दमदार। जब वो चौराहे पे निकले ना, मतलब लौंडे लफाड़े गुंडे ना सब ऐसे थर थर कांपने चाहिए, मतलब समझदार भी बनाएंगे लेकिन दमदार। शिवांश, हम सोच रहे थे कि तीन मैम से बात करके एक साल के लिए छुट्टी ले लें। नहीं श्रावणी, हम यही नहीं चाहते कि आप अपनी पढ़ाई ऐसे बीच में छोड़ दें, इसलिए हम बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे थे। चल खाना खाइए, ये लीजिए। अरे शिवांश, आपको आपको चोट लगी है? अरे बेबी जी, छोटी सी चोट है। चुप करिए आप, एक मिनट रुकिए।
आप खामखा परेशान हो रही हैं। आप भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते। मोहन से लड़ लिए, हमारा विश्वास कीजिए, हम उससे मिलने से आपकी वजह से गए थे और कोई वजह नहीं थी। आपने अम्मा को जबान दी पर वो जबान आप मरकर भी पूरा करेंगी, हम जानते हैं बात। अगर आपने जबान तोड़ी है तो उसके पीछे कोई छोटी वजह नहीं होगी, कोई बड़ी वजह होगी। शिवांश, लेकिन अम्मा, देखिए अम्मा थोड़ी पुराने ख्यालात की, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, वो समझ जाएंगे। आप अम्मा के ऊपर इतना गुस्सा किए अम्मा? देखिए हमारी बेबी के ऊपर कोई उंगली उठाए फिर तो हम ना आगे देखते ना पीछे, चाहे वो कोई भी। और कोई परेशानी बीबी जी? कोई परेशानी नहीं है, बस अम्मा का। अरे हम दोनों मिलकर अम्मा को भी मना लेंगे, ठीक है? अब तो मुस्कुराइए, बहुत अच्छी लगती है बसते हो। खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखी बैठी हैं आप। अब आपको अपने साथ साथ हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना हो। सारा काम बिगड़ गया और आप हो मम्मी यहाँ आराम से बैठ के सेब खा रहे हो, पता नहीं सेब पेट में जा कैसे रहे आपके। उनको समझ नहीं आ रहा है खुशी है किस बात की। एक बात सुन लो सीटी, नाम में भले ही चांद, आग हम सूरज वाली रखते हैं। पर मम्मी आग लग कहाँ रही है? नहीं लगी है तो लग जाएगी, सबर करो, जब लगेगी ना तो सब जल के राख हो जाएंगे। गाय के इस बार जो तीली सुलगाएगा ना वो इसी घर का दामा और खिलवा। बस तुम उस रोहन को फोन करो, उससे कहो किसी भी तरह फिर अग्नि से माफी मांगे, बस उसको मना ले। हमने रोहन से कह दिया माफी मांगने के लिए। ठीक है जब खाओगी मम्मी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा आप क्या करने वाले हो। मत समझो ना तुम, तुम कहे अपने दिमाग पे लौट ला रही मुझा मित्र, हम करेंगे सब कुछ ठीक। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।